सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। ओके सो फिलहाल अभी मैं बस्ती आया हुआ था, और बस्ती किस लिए आया हुआ था ये भी बता दूँ, शॉपिंग करने। सो दो तीन लोग और मेरे साथ में है, काफ़ी बम्पर शॉपिंग हो रही है और गाड़ी पार्क करो यहीं पर। सो मैं बता दूँ आज का ब्लॉग किस पे है। आज मैं बस्ती के दो चार ऐसी जगह दिखाऊँगा जो कि ये हॉर्न वाले ना बहुत दिक्कत करते हैं। मैं बस्ती के दो चार ऐसे जगह दिखाऊंगा जो कि काफ़ी फेमस है, और जो बस्ती से हैं उनके लिए स्पेशल ब्लॉग है, और जो बाहर से हैं और जो फेमस प्लेस नहीं जानते बस्ती की, वो भी आप लोग भी देख सकते हो। सो फिलहाल इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं से, और देखते हैं क्या क्या मैं दिखा पाऊँगा इस ब्लॉग में, कौन कौन सी जगह। जो मुझे पता है वो मैं पक्का दिखाऊँगा, और जो छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो गलती हुई है वो भी बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ रोडवेज पे, तो पीछे आप लोग देख सकते हो रोडवेज का ये मतलब एक सिंबल है कि रोडवेज पे आप पहुँच चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ इसका नाम रोडवेज क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चार वेज है, मतलब चार रास्ता है। तो चारों से आप कहीं भी निकल सकते हो, ये रोहता चौराहा आ जाता है ये रास्ता, एंड ये पक्के जाता है, और ये दक्षिण दरवाजा जाता है। सो इसका नाम इसीलिए रोडवेज पड़ा कि रोड और वेज मतलब समझ सकते हो आप लोग, तो फेमस प्लेस है मतलब बस्ती का, और यहाँ ये सब नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगले इस पे चलते हैं, दिखाते हैं क्या चीज़ कचरा है। सो चलो ओके। सो जो सेकंड प्लेस आती है वो है पक्के। सो पक्के तो एकदम मतलब एकदम फेमस प्लेस है बस्ती का, पक्के और रोडवेज दो चीज़ बहुत फेमस है, मतलब फेमस प्लेस है। किसी से भी पूछ लोगे अगर आप तो सब बता देंगे कि यहाँ रोडवेज और पक्के किधर है। और ये जो हाथ में देख रहे हो ये ऑफ वाइट वाला बेल्ट है, मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन तो गलत कलर मेरे पास पहुँच गया था, सो भी मैंने बस्ती में आके इसको ले लिया है। सो और ये भी मैं बता दूँ कि इसका पक्के नाम कैसे पड़ा ये तो मुझे पता नहीं है, बट जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शायद पक्के इसलिए पड़ा होगा कि इसका रोड पक्का है, और क्या, यहाँ ये स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए बहुत सही जगह है पक्के। यहाँ पे मतलब देख रहे हो पीछे देखो शॉप वगैरह, स्ट्रीट चश्मा हो टोपी कुछ भी ले सकते हो। मैं वहीं स्ट्रीट शॉप से ही मैं ये बाइक किया हूँ, और बाकी तो यहाँ मॉल्स वगैरह भी बहुत हैं शॉपिंग करने के लिए। और चलते हैं तीसरे प्लेस पे। सो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ दक्षिण दरवाजे पे, एंड सो ये है थर्ड प्लेस, जो कि ये भी फेमस है बट उतना नहीं, पक्के और रोडवेज कितना फेमस नहीं है, बट आप बता दोगे तो ये मस्जिद उसका लोकेशन है दक्षिण दरवाजे का। इस मस्जिद के पास आ जाओगे तो समझ लो आप दक्षिण दरवाजे आ गए। तो यहाँ कुछ ऐसा रोड निकला, एक दो तीन रोड है, ये दक्षिण साइड जाता है ये रोड, इसीलिए इसका नाम है दक्षिण दरवाज़ा। और दरवाज़ा तो है नहीं, बाकी दक्षिण रोड है, ये दक्षिण साइड जाता है। और रोड क्रॉस करते समय ये ज़रूर मिलेगी आपको, तो इस पर ध्यान मत देना। एंड जो मैं चौथी चीज़ दिखाने वाला था, बट उधर चेकिंग लगे रहती है, उधर मैं नहीं जा पाया, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। पानी वाली टंकी यानी कि कटरा ब्लॉक आप लोग देख ही होंगे, वो तो एकदम फेमस है। तो कटरा ब्लॉक में मतलब वहाँ पे सवारी वाली मिलती है, ऑटो वगैरह कहीं भी आपको जाना है तो। और पानी वाली टंकी इसलिए उसका नाम है बिकॉज वहाँ पे एक पानी की टंकी है बहुत बड़ी सी, और यही सब वहाँ पे है। और अगर फुटेज मेरे पास होगा तो मैं दिखा दूँगा, देख सकते हो आप लोग। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया आपके भाई को तो अभी फॉलो कर लो। सो बाय बाय, चलो। हाँ स्टेशन से बैठा आएगा, स्टेशन से बैठा आएगा, किधर रास्ता जाएगा स्टेशन, ऐसे घूम के जाए पूरे के आगे ट्रेन आगे सना ना 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 पीरी दीदी दी हाँ सना ना 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 पीरी दीदी दी।